नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सहेलियों का आपके अपने शो जिसका नाम है सुनो सहेली। जी हाँ, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, आज की बिजी लाइफ में अगर हम किसी चीज को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं तो वो है हमारा खान पान। जी हाँ, और अगर हमारा खान पान ठीक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा और तब हम रुख करते हैं किसी डाइटिशियन का। जी हाँ, जो कि हमें हमारा डाइट चार्ट बनाकर देते हैं। और आज इस शो पर हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन फरीहा जी। फरीहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सुनो सहेली। थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी। फरीहा जी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी, आप एक डाइटिशियन हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में और अपने काम के बारे में हमारी उन सहेलियों को बताएं जो इस वक्त इस खास प्रोग्राम को देख रही हैं और जानना चाहती हैं कि आखिर ये डाइटिशियन की फील्ड क्या होती है और किस तरह से इस फील्ड में हम जा सकते हैं। डाइटिशियन के लिए हमें ग्रेजुएशन में बीएससी करना होता है, बीएससी होम साइंस करना है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा, अदरवाइज़ आर्ट्स स्टूडेंट्स भी इस कोर्स को कर सकते हैं। और आफ्टर बीएससी हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या तो पीजी डिप्लोमा और या एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन करना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट जॉब में जा सकते हैं इंटरव्यू करके। बिल्कुल फरीहा जी, आप इतनी यंग हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने अपनी फैमिली को बताया कि आपको डाइटिशियन बनना है तो फैमिली की तरफ से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला, या फिर कहा गया कि क्या करोगे डाइटिशियन बन के, कुछ और बन जाओ, किसी और फील्ड को अपना लो, कुछ ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मेरे पापा थोड़ा सा, मैं थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाकू टाइप्स नहीं हूँ, मेरे पापा थोड़े से मुझे आईएएस या डॉक्टर इस तरह के फील्ड में देखना चाहते थे, बट मेरा फील्ड इतना बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत वो नहीं था, तो इसलिए मैं ऐसी मस्ती में पढ़ती पढ़ती मैंने ग्रेजुएशन खेल खेल में कर लिया है। फिर उसमें बहुत सारे फील्ड आए, फिर मुझे लगा कि मुझे मीडिया में जाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा अब क्या कहते हैं जर्नलिज्म की लाइन में पसंद था। कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप कंफ्यूज थी कि आपको इधर भी जाना था उधर भी जाना था, लेकिन आपने फिर अपनी फील्ड को किस तरह से फोकस किया, कब आपको लगा कि नहीं मुझे बनना है तो सिर्फ और सिर्फ डाइटिशियन बनना है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बनूंगी? जी, जब मैंने देखा, मैंने कहा हर दूसरे इंसान को यहाँ बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो या कोई भी खान पान से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो हर दूसरा इंसान आजकल ग्रसित है, तो इसको ध्यान में रखते हुए तो मैंने सोचा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए और कुछ आगे की जनरेशन के लिए या आगे जो बच्चे आ रहे हैं जो जंक फूड पर ही जी रहे हैं तो उनके लिए कुछ शायद अच्छा कर पाऊँ। बिल्कुल, आपने अभी जंक फूड का नाम लिया है, तो कभी आपका मन नहीं करता कि आप भी मस्ती करें और जंक फूड खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, क्योंकि आप बीइंग अ डाइटिशियन आपका भी तो मन करता होगा खाने का, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो प्रोफेशन है वो आपको रोक देता होगा, नहीं नहीं मैं ये क्या करूं, मैं नहीं खा सकती हूं, कहीं कभी कुछ ऐसा दो रास्ते आपको नज़र आए इस तरह से? क्योंकि मैं बहुत ही खाने की शौकीन हूँ, हाँ। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों का भी बहुत शौक है, हाँ। और कई बार मैं फंस भी जाती हूँ कि मुझे ये सब जंक फूड अनहेल्दी फूड का सामना करना, हाँ। पड़ता है, हाँ। बट मैं ज़्यादातर क्या कोशिश करती हूँ कि ये जंक फूड, क्योंकि शौकीन मैं बहुत हूँ और मैं कुकिंग की भी काफ़ी शौकीन हूँ, तो इसलिए मैं सारा जंक फूड घर में बनाते हैं, तो घर में हम उसको मल्टीग्रेन वेराइटी या वो लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इस्तेमाल करके तो उसको हम हेल्दी बना लेते बना के वो खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखा सहेलियों, आप सुन रही हैं ना कि अगर आपका जंक फूड खाने का मन कर रहा है तो आपको अपसेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप जंक फूड पिज्जा बर्गर घर पे बनाएं और घर पे खाएं, वो आपके लिए हेल्दी होगा, आपको जंक फूड छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस आप बाहर का खाना ना खाएं, आप घर पे बनाएं और घर पे खा सकते हैं। आपसे एक सवाल और मैं करना चाहूंगी कि शुरुआत में जैसे आपने शुरू में बताया कि आप थोड़ी सी अपने काम को लेकर फोकस नहीं थी, कभी आपको लगा कि आपको जर्नलिस्ट बनना है, फिर आपने कहा कि आप इधर डाइटिशियन की तरफ आना चाहेंगी, और अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताइए, जब आप जॉब भी करती हैं अभी तो क्या घर पे मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि टाइमिंग की कोई लिमिटेशन नहीं होती है उस टाइम, तो क्या घर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि नहीं छोड़ दो जॉब, या फिर तुम्हारा टाइमिंग का कुछ नहीं है आता पता कब आ रहा है कब नहीं आना है, तो अभी कैसा ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा?
क्योंकि अभी मैं अनमैरिड हूँ, इसलिए मेरी फैमिली मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है। अब आफ्टर मैरिज क्या होगा वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ये मेरे जॉब 8 आवर्स जॉब है, बहुत लंबा टाइम है, तो थोड़ा सा और हमारी शिफ्ट्स में है, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग भी जाना होता है, लेट नाइट भी आना होता है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट फैमिली तो सपोर्ट करती ही है और मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं है। और फिर थोड़ा सा अपने हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे, दोनों तरीके से मैनेज कर लेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है बट सब मैनेज हो जाता है। सब मैनेज हो जाता है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब आप किसी रास्ते पर निकलते हो तो जितनी भी कठिनाई आती है वो आपकी दूर हो जाती है। जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब आप क्लाइंट्स को हैंडल करती हैं या जब मरीज आपके पास आते हैं और पूछते हैं कि मुझे किस तरह का खाना खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको उनकी मेंटालिटी को आप किस तरह से समझती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं और कैसे ये समझ पाती हैं कि नहीं इसके लिए क्या चीज़ बेटर है और इनके लिए क्या क्या बेटर नहीं है, ये काम आप किस तरह से करती हैं? क्योंकि मैं हॉस्पिटल लाइन में हूँ तो हमारे थोड़ा सा फील्ड डिजीज़ बेस्ड ज़्यादा होता है, बट जनरली हमारे पास वेट रिड्यूसिंग पेशेंट्स भी आते हैं, कुछ बहुत यंग लोग आते हैं कि हमें वेट कम करना है, शादी है घर में या कोई भी फंक्शन है, वेट कम करना है, अचानक मॉर्बिड ओबीस हैं, वज़न कम करना चाहते हैं और कहते हैं पिछले 15 दिन से हमने बिल्कुल खाना खाना छोड़ा हुआ है, सिर्फ सैलड पे हैं या सिर्फ जूस पे हैं, तो ये सारे उनके मिसकंसेप्शंस हैं कि इस तरह की अगर डाइट वो लेंगे तो शायद उनका वज़न कम हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। We have to plan a complete balanced diet. हमारे 7 food groups हैं, उसमें cereals, proteins, carbohydrates, milk and milk products, everything is important. तो हमें उन सब का balance लेकर चलना होता है, कितना quantity, कितने time period में small and frequent meals लेने हैं, तो उसी के basis पे हम चलवाते हैं और healthy diet दिलवाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी जैसे कि मौसम के हिसाब से अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो क्या मौसम के अकॉर्डिंग भी हमारा जो डाइट चार्ट है वो चेंज हो जाता है? हाँ, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें या फैट रिलेटेड आइटम्स अगर हम ले रहे हैं तो वो ना लें, उनको अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना लिक्विड्स हो सकता है छाछ के फॉर्म में, जूसेस के फॉर्म में, नारियल पानी, नींबू पानी या प्लेन वाटर ही तो वो हम लें, बट उसमें भी अवॉइड करें हम प्रिजर्वेटिव से बचें, क्योंकि जितना हम हेल्दी लेंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे, और लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इन रॉ फॉर्म वो हम लेंगे तो हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो हम गर्मी से बच सकते हैं। और अगर सर्दियों की बात करें तो क्या सर्दियों में हमें कुछ स्पेशल खाने की ज़रूरत होती है जिससे कि हमारा अंदर की जो हमारी गर्मी है बॉडी की वो बरकरार रहे और जो बाहर का मौसम है वो हमारी बॉडी पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो? सर्दी में तो सब कुछ खाना है बट थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, या आप लोग पंजीरी एंड ऑल इस तरह की चीज़ें अगर घर में जानते हैं तो वो मिक्सचर ऑफ ड्राई फ्रूट्स वो सब बना के अपनी बॉडी को गर्म रख सकते हैं, और अदरवाइज़ तो हेल्दी खाना खाना ही है। बिल्कुल, जैसे कि आप एक डाइटिशियन हैं तो क्या वो प्रोफेशन डाइटिशियन का जो आपके अंदर एक जो हुनर है वो क्या घर में भी दिखाई देता है? क्या घर में भी आप अपनी मम्मी को इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं कि नहीं मम्मी ये डालो इसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, ये डालो इसमें विटामिन सी है, इसमें विटामिन डी है, क्या इस तरह की चीज़ें भी घर में होती हैं? बिल्कुल, मगर घर में हमारा प्रोफेशन कभी चलता नहीं है तो मेरी बिल्कुल सुनी नहीं जाती है, बट तो भी मैं अपनी उस बात पे डटी रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को मनाऊँ, बट जितना हो सकता है और मनाती भी हूँ, बट घर वाले पूरी तरह मानते नहीं हैं। हाँ, तो जितना पॉसिबल है उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं, जैसे सैलड इंक्लूड कराया या लिक्विड्स के आइटम, हम सत्तू हमारे घर में जितना भी हम क्या कहते हैं देसी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तक क्योंकि उनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, नींबू पानी हो गया, लस्सी हो गई, छाछ हो गई, सत्तू हो गया, इस तरह की चीज़ें आजकल लोग नहीं लेते हैं तो हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, अगर जनरली देखा जाए, अगर डाइटिंग की हम बात करते हैं, क्योंकि जिसको देखो वही डाइटिंग करता है, उसको पतला होना है और डाइटिंग के नाम पे हम कहीं ना कहीं खाना खाना ही बंद कर देते हैं कि नहीं भाई मैं तो डाइटिंग पे हूँ, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, ये कहाँ तक सही है, क्या ऐसा करना चाहिए? हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हमारे पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं मुझे 15 दिन में वज़न कम करना है और मैंने खाना पीना छोड़ दिया है या मैं सैलड पे हूँ या सिर्फ जूसेस दे रही हूँ, ऐसे में आप
पतले तो बिल्कुल हो जाएंगे, बट आगे जो आपके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आपकी बॉडी जो है वो डेफिशिएंट इतनी हो जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा, बट स्लोली स्लोली आपकी बॉडी वो ख़त्म करती रहेगी। विटामिन्स मिनरल्स की डेफिशिएंसी बहुत बहुत बड़ी डिजीजेज क्रिएट कर देती है, तो उन सब चीज ये उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। तो फिर इस तरह की चीज़ें नहीं, जैसे डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग्स या स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेकर बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट, तो अगर आप, अगर आपकी मैं बात करूं, जब आपने कहा, जब आपने सोचा कि आपको इस तरीके की इस फील्ड में आना है जिसमें नॉर्मली लोग अब आ रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग इस फील्ड के बारे में जानते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस फील्ड के बारे में और ज़्यादा क्या कुछ जानकारियाँ हो सकती हैं जो आप हमारी सहेलियों को देना चाहेंगी या हमारी उन व्यूवर्स को देना चाहेंगी जो इस वक्त इस प्रोग्राम को ख़ास तौर से देख रहे हैं और समझना चाहते हैं कि आखिर ये जो डाइटिशियन की फील्ड है या जिसको कहते हैं कि ये डाइटिशियन है, उनका एक्चुअल में और क्या कुछ काम होता है इस फील्ड में और क्या वो करते हैं? डाइटिशियन एक बहुत अपकमिंग फील्ड है, आगे आने वाले टाइम में इसके बहुत फ़ायदे हैं, तो इसमें हम कभी भी, हमें निराशा तो नहीं मिलेगी अगर हम इस फील्ड में आ गए हैं, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ें। बहुत सारी जॉब्स हैं, हॉस्पिटल बेस्ड जॉब्स हैं, नहीं तो हम क्लिनिक्स खोल सकते हैं, फ्रीलांस डाइटिशियंस अवेलेबल हैं, तो हम किसी पर अगर नहीं डिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो हम अपना पर्सनल क्लिनिक खोल के या पर्सनल कुछ भी अपना रूम लेकर तो हम अपने क्लिनिक्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हॉस्पिटल बेस्ड जाना चाहते हैं, नहीं तो एनजीओ हैं, एनजीओ में एज अ डाइटिशियन आप वर्क कर सकते हैं, तो बहुत सारे स्कोप्स हैं इस फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल, तो दर्शकों फरिया जी से आगे भी इस फील्ड के बारे में चर्चा जारी रहेगी और आप भी ये जानना चाहते होंगे कि इस फील्ड में और क्या क्या खासियत है और जो बच्चे जो लड़कियाँ इस वक्त इस शो को देख रही हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा है कि आखिर कैसे एंट्री लिया जा सकता है इस फील्ड की तरफ, हम पहला कदम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यह जानकारी भी आपको मिलेगी, लेकिन रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो जिसका नाम है सुनो सहेली, और हमारे साथ इस वक्त इस खास कार्यक्रम में बहुत ही यंग सी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी डाइटिशियन है फरिहा शाहनम जी। फरिहा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने खास प्रोग्राम में, और अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस फील्ड के चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, वो आप हमारी सहेलियों को बताएँ। ये फील्ड थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है पढ़ाई में, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, हर फील्ड का इंसान यहाँ इसमें आ सकता है, चाहे वो आर्ट्स से पढ़ा हुआ हो या कॉमर्स से या साइंस से, बट थोड़ा सा जॉब में, जैसे ही मैंने कहा कि हॉस्पिटल बेस्ड अगर है या किसी आप न्यूट्रिशनल क्लिनिक में हैं तो वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जॉब है, तो उसे घर के साथ कैसे, गर्ल्स को जनरली फीमेल्स को थोड़ा सा कैसे फोकस करना है घर को और उसको कैसे मैनेज करना है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। अदरवाइज तो अगर आपकी फैमिली, आपके साथी लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। डाइटिशियन बनने की क्या कोई स्पेशल कोर्स होता है उसका, जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन आपने कहा कि आप किसी भी फील्ड के हों आ सकते हों, क्या आप आर्ट्स के हों साइंस के हों, तो क्या कोई स्पेशल कोर्स है जिसको किया जा सकता है, उसके बाद आप बीइंग अ डाइटिशियन अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं? बीएससी ही हमें, अगर आप होम साइंस की स्टूडेंट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स एजुकेशन और या तो मास्टर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन, ये दोनों ही हमारे कोर्स हैं जो डीयू के दो कॉलेजेस कराते हैं, तो इसमें आप जाके, और ये वैसा बहुत कॉस्टली कोर्स भी नहीं है, तो हर मिडिल क्लास फैमिली का भी स्टूडेंट ईजिली इसको कर सकता है। जी, जैसे आपने कहा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स भी कर सकते हैं, इससे कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी आते हैं, लाइक 6 मंथ के कोई कोर्सेज हो या डिप्लोमा कोई कोर्स हो जिसको करके हम, क्योंकि जनरली लोग
कहते हैं कि नहीं मुझे इतना लंबा नहीं करना है, मैं 2 साल नहीं दे सकता, मुझे तुरंत अभी कोर्स करके और इस फील्ड में आना, तो क्या ऐसा भी हो सकता है? उसके लिए अगर आपको जॉब में जाना है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स एंड फूड एंड न्यूट्रिशन ये कोर्स है, ये DU भी कराता है, IGNOU भी कराता है और भी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, तो वो विद इन 1 ईयर करके आप पोस्ट ग्रेजुएट होके वो भी उस जॉब की लाइन में आ सकते हैं। जी, जब आप इस फील्ड में आई, आपको आपसे मैं ये पूछना मैं भूल ही गई कि आपको कितने साल हो गए हैं इस फील्ड में? मुझे 3 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, बहुत 23 अराउंड मेरी जॉब लग गई थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा जॉब क्लियरेंस हो गया था और मुझे 3 ईयर्स अभी हो चुके हैं। 3 ईयर्स हो चुके हैं, तो इन 3 सालों में आपने किन किन चुनौतियों को फेस किया? क्या ऐसे भी पेशेंट आपके पास आते हैं जो आपके बताने के बाद भी आपके डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलते, उनको आपको कन्विंस करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्या इस तरह के भी पेशेंट्स आपको मिले देखने के लिए? बिल्कुल, बहुत फंसी पेशेंट्स हैं जो स्पेशली यंग एज ग्रुप जो है वो जंक फूड का शौकीन है, उन्होंने कह दिया कि भाई कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़नी तो नहीं छोड़नी, तो उन्हें किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उनकी बातों को भी मानना है, किस तरह से अपनी बातों को मनाना है, किस तरह से उन्हें हेल्दी डाइट पर लाना है स्लोली स्लोली, तो हम इस तरह से उनसे बातचीत करके पर्सनली बार बार बुला के तो ऐसे मैनेज करते हैं। तो उनकी मेंटालिटी को या कहा जाए उनकी साइकोलॉजी को आप किस तरह से चेंज करती हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोग एडिक्टेड होते हैं जंक फूड के, आपने कहा कोल्ड ड्रिंक्स के, तो उनकी जो मेंटालिटी है या उनका जो सोच है वो कैसे आप चेंज कर पाती हैं? उनको हम एग्जांपल्स देके कि किस तरह की इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स, हर दूसरा पर्सन डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, आगे की उन्हें कैसे बीमारियों से बचना है, कैसे उनको अपनी उनकी मम्मी को समझाते हैं कि उनको उनकी तरह का फूड हेल्दी बट उनके शौक का फूड जंक फूड ही हो, वो किस तरह से हेल्दी बना के उनके टिफिन दें, तो इस तरह से मैनेज करके उनके थोड़ा सा माइंड सेट करते हैं हम, जिससे वो मान जाते हैं और फिर सही लाइन पे आ जाते हैं। बिल्कुल, अभी आपने टिफिन का नाम लिया तो मुझे सडनली बच्चों की याद आ गई, क्योंकि जनरली बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा जंक फूड के एडिक्टेड होते हैं, तो उनको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? क्या बच्चों का भी स्पेशल डाइट चार्ट होता है? जी बिल्कुल, बच्चों का डाइट चार्ट होता है, बट उसे उस किस तरह का अट्रैक्टिव फूड उन्हें देना है, फिंगर फूड्स उन्हें देने हैं कि वो छोटा एज का है, टिफ़िन में जाके कैसा करेगा, मैसअप करेगा या ढंग से खा पाएगा नहीं खा पाएगा, तो वो थोड़ा सा कलरफुल बना के खाने को, जैसे सैंडविचेस हैं तो सैंडविच को नॉर्मल सिंपल सैंडविच ना देकर हम रेनबो सैंडविच बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को भी किसी अच्छे कट्स में करके वो हम उनको दे सकते हैं, जिससे बच्चे देख के अट्रैक्ट हों और उसको खा लें। हाँ, जी वो बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे अब कि जैसे जनरली होता है कि बड़े शहर की बात तो आपने बता दी, जैसे DU में बहुत सारे कोर्सेज हैं और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, किसी छोटे शहर की लड़की इस फील्ड में आना चाहे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कोर्सेज नहीं हैं, तो वो कैसे देख के सीख सकती है, कैसे आगे आ सकती है और अपना पहला कदम इस फील्ड में किस तरह से बढ़ा सकती है? उसमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कर लेगी, कैसे मैनेज कर लेगी दुनिया, क्योंकि डिस्करेज करने वाले लोग हर जगह हैं, हर ज़रूर करेंगे बिल्कुल कि तुम गांव से आई हो या तुम छोटे शहर की हो, तुम नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं होगा, स्मार्ट लोग चाहिए, या इस तरह के बहुत सारे डिस्करेज करने वाले लोग हर जगह मिलेंगे हमें, बट उसे अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दुनिया को छोड़कर अपने आप को देखे, अपनी फैमिली को देखे कि मैं ज़रूर कर लूँगी और मेरे अंदर काबिलियत है करने की, तो वो ज़रूर कर पाएंगे। बिल्कुल, तो सुना आप लोगों ने, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप कर सकती हैं, भले ही आपके रास्ते में कितनी भी चुनौतियां आएं, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आएं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके अंदर का अपना कॉन्फिडेंस लेवल, तो इस कॉन्फिडेंस को आप बरकरार रखिएगा, इसे बिल्कुल भी कम नहीं होने दीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। फरिया जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, अगर डाइटिशियन की बात करें, बींग अ डाइटिशियन, आप अभी जॉब कर रही हैं, तो क्या फ्यूचर में आप इसके अलावा भी किसी और क्षेत्र में या कि कोई और ऑप्शन चुनना चाहेंगी, कि अपना खुद का क्लिनिक आप
खोलना चाहेंगी? क्योंकि मैंने बताया कि हॉस्पिटल बेस्ड अगर हैं तो हम फैमिली को टाइम देना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिफोर मैरिज तो जैसे भी मैनेज हो ही जाएगा, बट आफ्टर मैरिज मेरा प्लान है कि मैं कुछ क्लिनिक एंड ऑल इस तरह का खोलूं पर्सनल, ताकि मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम दे पाऊँ, प्लस अपने पेशेंट्स भी मैनेज कर पाऊँ। ओके, तो ये ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप जॉब कर रही हैं उसके बाद आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकती हैं। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है, मैं ये जानना चाहूँगी, जॉब बेटर ऑप्शन है या खुद का क्लिनिक खोलना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा? अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है लाइफ में और हेक्टिक लाइफ ना जी के, थोड़ी सी फन लविंग या फैमिली के साथ लाइफ जीनी है, जो कि आजकल के टाइम में बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है। तो अगर इस तरह की, अगर आपको जॉयफुल, एंजॉयफुल, फन, फुल ऑफ फन लाइफ जीनी है, तो क्लिनिक इज अ बेटर ऑप्शन। क्लिनिक इज अ बेटर ऑप्शन। और आगे की क्या कुछ प्लानिंग है आपकी, और आगे आप क्या करना चाहेंगी? क्या आप क्लिनिक के साथ साथ और भी कोई ऑप्शन चुनना चाहेंगी इस फील्ड को लेकर? फिलहाल तो मेरा कोई ऐसा अभी इरादा नहीं है, तो मैं आगे, अभी तो मैं हॉस्पिटल बेस्ड ही हूँ, फिर मैं आगे क्लिनिक ही करके अपनी फैमिली संभालूंगी। जी, ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर जो महिला इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रही है, उन्होंने, अगर आपने कहा होम साइंस, अगर होम साइंस उन्होंने एमए किया हुआ है और अभी वो शादी के बाद कुछ भी नहीं कर रही हैं, तो क्या वो महिलाएं इस फील्ड में आगे आ सकती हैं अब, या ये पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। इग्नू ऐसी यूनिवर्सिटी है जो करेस्पॉन्डेंस कोर्स कराती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, मैरिड हैं, पढ़ाई के बहुत शौकीन हैं और थोड़ा बहुत टाइम पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि उन्हें फैमिलीज देखनी है, बच्चे देखने हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम अगर निकालना चाहते हैं तो वो MSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट करके एक कोर्स है, उसमें वो जाके एनरोल करा के उसमें अपने मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं। जी, तो ये जो कोर्स है अभी आपने जो बताया है, क्या ये भी 2 साल का कोर्स जनरली मास्टर्स डिग्री की तरह है या फिर ये 1 साल का होता है? नहीं, मास्टर्स डिग्री की तरह ये 2 साल का ही कोर्स है, और 1 साल का कोर्स अगेन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट है, वो भी इग्नू कराता है, वो 1 साल का कोर्स है। जी, तो ये दोनों कोर्स करके आप, अगर आपने एमए कर रखा है, होम साइंस में कर रखा है, तो भी आप आगे आ सकती हैं। और अगर ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो प्लीज़ 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 आप घर पे मत बैठिए, आप भी आगे आइए और अपने हुनर को बाहर निकालिए, क्योंकि आज ज़रूरी है कि आप अपने हुनर को बाहर निकाल कर पूरी दुनिया को ये बता सकें कि आप में भी काबिलियत है और आप अपने दम पर अपनी एक अलग पहचान बना सकती हैं। फरिया जी, इस फील्ड के बारे में जनरली लोगों को बहुत कम पता होता है, आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आप अभी मेडिकल लाइन में हैं, तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ मेडिकल के टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको अच्छे से पता हो? बहुत अच्छे से तो नहीं, बट थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डिजीज़ की होनी चाहिए। आजकल जो भी बीमारियां हैं उसमें किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, उस तरह की हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, और वो किस तरह से डाइट से कनेक्टेड है, कैसे हम डाइट को मैनिपुलेट करके उस बीमारी से बच सकते हैं, बस इस तरह की नॉलेज, बेसिक नॉलेज अगर हमारे पास है तो वो बहुत है। जी, मतलब एक कहा जाए कि अगर आपको मेडिकल लाइन में आना है तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो डिजीज़ बेसिक नॉलेज। तो जनरली जैसे देखा जाता है कि डिजीज़ बेसिस की आप बात कर रही हैं, अभी शुगर पेशेंट की अगर हम बात कर लें, तो क्या उनके डाइट में बहुत ज़्यादा ऐसा होना चाहिए कि शुगर बिल्कुल ही ना हो, या कुछ परसेंट तक हम इंक्लूड कर सकते हैं? शुगर तो बेटर है अवॉइड किया जाए, बट समटाइम्स राइस अगर लेना चाहते हैं तो राइस का एक ऑप्शन आ गया है, ब्राउन राइस, दैट इज़ फाइब्रस, वेरी फाइब्रस राइस, तो वो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, या नॉर्मल आटे वाली, मैदे वाली रोटी की जगह, उस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने की जगह हम मल्टीग्रेन पे स्विच ओवर कर सकते हैं। फ्रूट्स जनरली लोग बहुत खाते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा हाई है बट फ्रूट्स खाए जा रहे हैं, तो कुछ फ्रूट्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए, कुछ को हम फिर भी डाइट में ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बट डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना माइंड टेंशन फ्री रखना। अगर अपना माइंड स्ट्रेसफुल रहेगा तो आप मीठा चाहे ज़ीरो भी खाएंगे तो फिर भी आपका शुगर शूट अप करता रहेगा, तो स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री लाइफ बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरिया जी, आप हमारे इस खास प्रोग्राम में आएँ और आपने एक ऐसी फील्ड के बारे में हमारी उन सहेलियों को बताया जो जनरली लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी वो इस फील्ड में आना चाहती हैं। आपने बताया कि वो किस तरह से इस
फील्ड में अपना पहला कदम रख सकती हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर से आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सब भी फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अच्छे से एक डाइट चार्ट बनाकर अपना खान पान अच्छे से रखिए, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और उसके साथ साथ आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।